हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक पर। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ थ्योरम देखे थे कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो उसको कैसे हम सब स्पेस प्रूव करेंगे, और कुछ ऐसे ही थियोरम की हम मदद से आज हम रैंक नलिटी थियोरम को प्रूव करेंगे कि रैंक नलिटी थियोरम क्या होता है और उसका आज हम प्रूफ देखने वाले हैं। और जो लास्ट वीडियो हमने थियोरम का देखा था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके उस थियरम को बेहतर समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यह शुरू करते हैं। तो हमारा थियरम है रैंक नलिटी थियरम, कुछ इस तरह से है। सो स्टूडेंट्स, हमारा रैंक नलिटी थियरम कुछ ऐसा है कि लेट टी यू से वी तक का है बी अ लीनियर मैप। यू है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यदि हमारा U है वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ R ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ N ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, डायमेंशन ऑफ नलिटी स्पेस एंड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। यह U हमारा डोमेन है और यह T हमें U से P तक का दिया गया है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल R ऑफ T प्लस स्मॉल एन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आइए इस प्रूफ की हम शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें पता है कि एन ऑफ टी जो हमारा नल स्पेस होता है, नलिटी होता है, और सबसेट ऑफ यू उसके इक्वल भी हो सकता है और उसके छोटा भी, इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम स्मॉल लिखेंगे तो ये एन होगा, और यहाँ पर यू है उसको हम पी एज्यूम करते हैं कि वो पी है, तो यहाँ पर क्या होगा एन लेस देन और इक्वल टू पी, यानी कि पी है यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ यू है, और हमारी जो डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी है उसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर जो एन लेस देन और इक्वल टू पी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डायमेंशन ऑफ यू है वो एन ऑफ टी यानी कि डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी नलिटी से बड़ी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि आर ऑफ टी वो हमारा जो डायमेंशन ऑफ यू है उससे छोटा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे स्मॉल इसे आर लिखते हैं, और इसको हमने क्या एज्यूम किया है पी, तो इसको हम यू को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं पी माइनस एन, यानी कि इस तरह से। अब यहाँ पर p माइनस एन कैसे आया इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं कि यहाँ पर p माइनस एन को कैसे लिख सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर p माइनस एन ही आएगा। तो यहाँ पर a लिख सकते हैं, तो इससे हमें सिंपल ही पता चल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ r ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ यहाँ पर क्या है n n ऑफ t, तो इससे तो हमारा प्रूफ सिंपल ही आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अब ये तो हो गया प्रूफ, लेकिन यहाँ पर आर ऑफ टी इज इक्वल टू पी माइनस एन कैसे लिखा वो आज हम समझेंगे। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसे। तो हमें थियरम में ही कहा गया है कि जो u है हमारा वो क्या है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, u इज अ फाइनाइट डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर हम एक b को कंसीडर करेंगे पहले, जो हमारा b है वो u1 u2 से लेके यू एन तक का है, और अब बाद में हम बी वन लेंगे। जो बी वन है वो ऐसा कुछ है यू वन कोमा यू टू कोमा यू एन तक, और यू एन प्लस वन से यू एन तक का, ये हमने बी कंसिडर किया है, ए हमने बी वन कंसिडर किया, इस दोनों को हम एज्यूम करेंगे। ए कहाँ पर है यू है ऑफ यू, क्योंकि हमें यहाँ पर थ्योरम में ही कहा गया है कि u इज़ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अब हमें पता है कि हमारा रेंज ऑफ t, r ऑफ t वो क्या होगा स्पान ऑफ
टी ऑफ यू वन कोमा टी ऑफ यू टू से लेके यूएन तक का। यह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू स्पान ऑफ टी ऑफ यू वन कोमा टी ऑफ यू टू कैसे होता है, तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आर ऑफ टी के कुछ बेसिस लेंगे जिसको हम ए कंसिडर करेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर टी ऑफ, यहाँ पर मैं पहले लिखा यू वन यू एन प्लस वन यू एन प्लस वन से लेके यू एन तक का बेसिस ऑफ आर ऑफ टी। हमने क्या कंसिडर किया आर ऑफ टी के बेसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि स्पान ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ टी, हमारा रेंज ऑफ टी हो गया। और यहाँ पर हमें सिंपली पता चल जाएगा कि ए इज अ एल आई। तो यहाँ पर सिंपली हमने इस सारे स्टेप को एक ही यू इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वो हमें थियोरम में ही आ गया था, इसलिए हमने इस सारे स्टेप को प्रूव किए। और बाद में हम क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पर क्या है वो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एन प्लस वन, यहाँ पर अल्फ़ा एन अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू कोई भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने एन लिया है तो मैं एन लिखता हूँ अल्फ़ा एन प्लस वन इंटू टी ऑफ यू एन प्लस वन, यहाँ पर मैंने यू एन लिया था यू एन प्लस वन तो मैं यहाँ पर यू एन प्लस वन लूँगा से लेके यहाँ पर अल्फ़ा पी टी ऑफ यू पी। मैंने यू को पहले जो मैंने स्टेप बताए थे उसमें क्या कंसिडर किया था पी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पी इज इक्वल टू ओ, यहाँ पर क्या है वेक्टर स्पेस है तो इसके इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा एन प्लस वन यू एन प्लस वन से लेके अल्फ़ा पी यू पी ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है वो हमें पता है। वो कब आएगी इसके कोडोमेन यानी कि ज़ीरो वी, यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यू से वी तक का है, तो यू हमारा डोमेन हो गया, यह वी सॉरी यू है वो हमारा डोमेन हो गया और जो वी है वो हमारा क्या हो गया कोडोमेन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ज़ीरो वी। आगे हम क्या करेंगे अल्फ़ा एन प्लस वन यू एन प्लस वन से लेके अल्फ़ा पी यू पी वो क्या होगा एन ऑफ टी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा यू वन कोमा यू टू से लेके यू एन तक का। अब हम आगे क्या करेंगे कि तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा एन प्लस वन यू एन एन यू एन एन प्लस वन प्लस से लेके अल्फ़ा एन पी इंटू यू पी वो कहाँ पर वो इक्वल टू है बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू प्लस डॉट डॉट से लेके बी बी एन यू एन तक वो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि यह बी वन बी टू बी एन उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस की जगह पर माइनस माइनस बी वन यू वन माइनस बी टू यू टू से लेके माइनस बी एन यू एन। और यहाँ पर जो हमारा प्लस वाला स्टेप था वो वैसा ही रहेगा कि अल्फ़ा एन प्लस वन इंटू यू एन प्लस वन वो वैसा ही वो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस स्टेप का आंसर ज़ीरो आता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बी वन यू वन इज इक्वल टू बी टू यू टू इज इक्वल टू बी एन यू एन इज इक्वल टू यू एन प्लस अल्फा सॉरी यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस वन वो सब क्या है ज़ीरो। तो यह क्या हो गया हमारा यू एन इज अ डायमेंशन वेक्टर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ में किया गया था कि यह प्रूफ कीजिए, तो क्या था हमारा डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू सॉरी आर ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यह हम ये जो हमने थियरी प्रूव की है स्टेप को इसकी मदद से इसके यूज से हम ये डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरह से, इसको स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल आर ऑफ टी प्लस स्मॉल एन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यह हो गया हमारा रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।